गाड़ी चला लो, गाड़ी पे देखो तुम तो। हम लोग जा रहे हैं खेत पे, हम लोग जा रहे हैं खेत पे। हटा दीजिए दीदी। लग रहा है कि गांव में आए हैं, वरना शहर में जाओ इतना पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन। सही पकड़े हैं। ताजा हवा, हरे भरे पेड़ पौधे। ये हमारा ट्रैक्टर, ये हमारी खेती, और हम आए काम करने के लिए। हम जाएंगे कैसे अंदर? बहुत भयंकर काम कर रही है। सुबह से लगी, अब अचानक फ्री हुई है, अब पहचाने जी। बाल भी कंगी निकले, कोई नहीं दीदी होता है। दीदी बैक कैमरा से जो बता दो, जो सरसों है और जो मटर है जी कट चुकी है। ये मटर है ना? हाँ, सूख तो गई है। सूख ही तो गई, अभी तो कटे और सूख जे, अभी तो और सूखने। अच्छा, सुखाना है इसको? हाँ। ओके, खेती में मटर लगी है, सूख रही है। देखो 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 दीदी, गलत बता रही, जो मटर नहीं है ये सरसों है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तेल बना सरसों, मटर तो जो है जो दांतों पर कंट्रोल कंट्रोल होता है। बताओ भैया, मैं कुछ नहीं पता। बड़े बात से बता भी पहुँच गई। अरे बड़े बात से पहुँच गई। गाइस, ये मटर है। भारी दीदी, बेइज्जती हो गई मेरी। मैं नहीं डालूंगी, काट दूंगी मैं। नहीं दीदी चाहिए, मैं तो सही लगे। सही है, कोई नहीं होता। सही है सही है, डालूंगी डालूंगी, चिंता नहीं करो, अपनी बेइज्जती कराऊंगी तो। चल झूठ थोड़ी बहुत। तुम्हें हड्डी, असली हड्डी है, असली है। देखो इस हड्डी का शिकार इन्होंने किया है। जरा दिखाइए अपना चेहरा। मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती का। आओ दीदी आओ, चलो भाई, खेत में मिला। फेंक देना उसको, क्या ले रही है हाथ में? खेत में मिला खजाना। बेटा क्या जा रही है तुम्हारे? हम तुम्हारी उखरवा देते बहन संग। अब देखो तुम बोली नन्ना, हमने उखरवा रहे। सही कही तुमने, लेकिन दिल्ली आई नन्ना। सही बताओ। देखो दीदी कैसे चिपक गए। वाह बेटा, पार्टी बदल रही। दीदी आज जो वालों वीडियो भेजे दीदी के दिखावे वाले आए कि देखो कितना काम कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सही है बेटा, देखो मोड़ी कितना काम कर रहा है। बहुत कर रहा है। 5-10 मिनट के लिए का नहीं, बात मतलब मैंने काम काम काम। Look at this. तो आज लास्ट दिन है गांव में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना छोटा सा मिनी रूम टूर दे दूँ आप लोगों को। सो क्विक रूम टूर देती, छोटा सा रूम, क्यूट सा रूम है मेरा। सो दिस इज माई रूम। ये डोर है एंड यहाँ से एंटर करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि बहुत बातें हो रही है। एनीवेज तो यहाँ से हम एंटर करते हैं। सो इसके राइट लेफ्ट साइड में मेरा ये मैं आज भी लेके आई, मतलब मैं घर से ही लेके आई थी लगाने के लिए। सो मैंने इसको चिपका दिया है। ये स्विच बोर्ड है एंड मेरा बहुत पुराना कैप है, मैं बहुत जब छोटी थी तब का कैप है ये। सो मैंने यहीं लगा के रखा हुआ है, ऐसे लग जा। सो यहाँ पे एक विंडो है, सब कुछ दिखता है उधर से। ये विंडो है, कर्टन लगा है पिंक कलर का, बहुत ही लाइट कलर का है, बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर यहाँ पे वॉल सेल्फ है, ये बहुत पुराना फ्रेम है, पहले ही लगा रहता था। एंड ये सब चीज़ें मैं अभी लेके आई हूँ क्योंकि ऐसे ही पड़ा था। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे ले जाते हो, यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। सो ये वाली फ़ोटो जब मैं 8th या 9th क्लास में थी तब की फ़ोटो है, ये मैंने ड्रॉ किया है। एंड ये मेरी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फ़ोटो है, सेकेंड ईयर की फ़ोटो है। एंड ये भी मैंने ड्रॉ किया है। एंड ये ये मेरी 11th 12th की फ़ोटो है, बहुत गोल मटोल लगती थी मैं पहले। ओके सो इसके नीचे आते हैं। ये मेरी पेंटिंग है, बहुत पुरानी पेंटिंग है, कॉलेज टाइम में बना था ये, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। एंड ये फ्रेम भी मुझे गिफ्ट में दिया था मेरी छोटी बहन ने। सो इसमें मैंने फ़ोटोज़ लगा दी है, यहाँ आपको प्योर लगाना बाकी है, वहाँ बाद में लगा दूँगी। और अभी 10 बजने वाले हैं सुबह के। उसके बाद आती है, ये भी मेरी पेंटिंग है, ये भी मैंने कॉलेज टाइम पे बनाई थी। सो इसको मैंने गत्ते में फ्रेम कर लिया था कार्डबोर्ड में, एंड इसको यहाँ पे टेप लगा दिया फ्रेम की तरह। सो फ़ोटो फ्रेम बन गया। और ये है पता नहीं कितने घंटे का आवर ग्लास है, ये घंटे भी नहीं होगा, मिनट होगा। सो लुक एट दिस, बहुत पुराना है ये। लो भैया ये तो 2nd का है। एनीवेज फिर नीचे आता है हम लोग, नीचे भी शो पीस रखा है, ये भी मैंने बनाया है। ये भी खाली फ्रेम है, इसको फिल करना है। एंड ये उज्जैन की है, महाकालेश्वर उज्जैन, हाँ महाकालेश्वर उज्जैन की है ये फ़ोटो। इसमें मम्मी, दीदी, मैं, आरना, प्रशीष सब लोग हैं। और ये पता नहीं किसी चीज़ का मैंने पतंग क्या बनाया था। तो ये हमारा वॉल सेल्फ हो गया प्यारा सा। एंड यहाँ पे मेरा बेड है, बहुत पुराने जमाने का। एंड फिर वॉल पे ये भी मैंने पेंटिंग बनाई थी। एंड दिस इज़ मी, बहुत छोटे किया मैंने, अपने पापा की कैप पहनी हुई है। सो क्यूट, ये भी मैंने बहुत टाइम पहले क्राफ्ट किया था तो अभी तक रखा, बहुत पुराना है ये वाला फ्रेम। सो आइसक्रीम स्टिक से मैंने इसको बनाया था। एंड उसके बाद ये मेरी केंद्रीय विद्यालय CRPF मुकामा घाट, मैंने इसमें 5th 6th 7th तक क्लास से 5th 6th 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है जिस स्कूल में। एंड मैं ये हूँ, दिस इज मी, ये मेरे प्रिंसिपल है, ये मेरे क्लास टीचर है। 2007 से 2008 की क्लास का लिखा है, क्लास 6A लिखा दिख नहीं रहा इसमें, लेकिन ये 6A का। उसके बाद टेबल के बाद है ये ड्रेसिंग टेबल जिसकी शीशा बहुत ही ख़राब हो चुका है। सो इग्नोर इट। एंड ये बहुत पुराने टाइम का, सो ऐसे ही पड़ा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। एंड ड्रॉवर में कुछ भी नहीं रखा, थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ बस। एंड उसके बाद मुझे आला लग गया। अरे सो ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी है, मेरे छोटे टाइम की, जब मैं छोटी थी तब की है। सो मैंने ऐसे लगा के रख दिया है। सो या एंड उसके बाद एक और बेड है यहाँ पे, छोटा सा सिंगल बेड है। यहाँ पे विंडो है, उसके सामने एक और कमरा है। एंड यहाँ पे भी विंडो है। सो दैट्स इट। और फिर हमारा गेट आ जाता है बाहर जाने के लिए। तो ये है मेरा क्यूट सा रूम।